हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 4 का यूनिट 9 का एक चैप्टर है सरहुल अ फेस्टिवल ऑफ नेचर। तो आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास 4 से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके क्लास 4 के और जितने भी वीडियोस हैं उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड वरुण कम फ्रॉम दिल्ली? वरुण जो है वो दिल्ली से कब आया? तो आंसर होगा, वरुण केम फ्रॉम दिल्ली इन द समर वेकेशन। वरुण जो है वो दिल्ली से गर्मी की छुट्टियों में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर, हु वेयर सिंगिंग द सॉन्ग? कौन जो है गाना गा रहे थे? तो आंसर होगा, वुमेन वेयर सिंगिंग द सॉन्ग। महिलाएं जो है, वुमेन जो है वो गाना गा रही थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रीस्ट कॉल्ड? प्रिस्ट जो है, जो पुजारी है जो पूजा करते हैं सरहुल में, उनको क्या बुलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, द प्रिस्ट इज कॉल्ड द पाहन। प्रिस्ट को पाहन कह के बुलाया जाता है। नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन है, हु वॉन्टेड टू सी द विलेज? कौन जो है विलेज देखना चाहता था? तो इसका आंसर होगा, वरुण वॉन्टेड टू सी द विलेज। वरुण जो है वो विलेज देखना चाहता था। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज द पाहन वॉरशिप? जो पाहन है, पुजारी है, वो किस तरीके से पूजा करते हैं? तो इसका आंसर होगा, द पाहन कीप्स फास्टिंग, ही सीट्स अंडर अ शाल ट्री एंड इनवाइट्स गॉड, देन ही ऑफर्स प्रेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रसाद। पाहन जो है वो फास्टिंग रखते हैं और साल ट्री के नीचे बैठते हैं और भगवान जी को पूजा करते हैं, उसके बाद वो प्रेयर करते हैं और प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है बी नंबर, हु सेड टू होम? किसने किससे कहा? तो यहाँ पे फर्स्ट है, वेयर डज द साउंड कम फ्रॉम? साउंड जो है, आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है, किसने किससे कहा? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, वरुण आक्स टू सचिन। वरुण ने सचिन से कहा, पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन एंड वुमेन आर डांसिंग? आदमी और औरतें जो है वो डांस कर रही हैं, ये किसने किससे कहा? तो इसका आंसर होगा, सचिन से टू वरुण। सचिन ने कहा था वरुण से ये बात। थर्ड क्वेश्चन है, गेट रेडी द प्रोसेशन इज कमिंग, ये किसने किससे कहा रेडी होने के लिए? तो इसका आंसर होगा, सचिन से टू वरुण। सचिन ने कहा वरुण से। फोर्थ है, द हेड पाहन होल्ड्स फास्टिंग, जो हेड पाहन है वो फास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे किसने किससे कहा? तो इसका आंसर होगा, सचिन से टू वरुण। सचिन ने कहा वरुण से। फिफ्थ है, आई विश टू सी द फेस्टिवल, ये किसने किससे कहा? तो इसका आंसर होगा, वरुण से टू सचिन, ये वरुण ने कहा सचिन से। सी नंबर है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है, खाली जगहों को बगल में वर्ड्स दिए हुए जो सही है उससे इसको फिल करना है। तो आइए देखते हैं। ए नंबर है, द सॉन्ग वॉज प्लेड ऑन, जो गाना बजाया जा रहा था वो किस पे बजाया जा रहा था? तो यहाँ पे आंसर होगा, लाउड स्पीकर। सन गॉड डैश इज वॉरशिप्ड इन सरहुल, सरहुल में किसका वॉरशिप किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सिंह बोंगा। नेक्स्ट सी नंबर है, द प्रोसेशन इज गोइंग टू, जो प्रोसेशन था वो कहाँ जा रहा था? तो जाहिर थान। डी है, डैश इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था? तो यहाँ पे हो जाएगा मांदर। ई नंबर है,
सिंह गोंगा इज द गॉड ऑफ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सन। नेक्स्ट है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो यहाँ पे जैसे है सरहुल, सरहुल का हो जाएगा अ फेस्टिवल। प्रोसेशन, प्रोसेशन का होगा क्राउड मूविंग विथ फ्लैग, फ्लैग के साथ जो क्राउड मूविंग हो रहे हैं उसको प्रोसेशन। सिंग बोंगा ए सन गॉड, झूमर का हो जाएगा ए काइंड ऑफ डांस इन झारखंड, एक तरीके का डांस जो होता है झारखंड में उसको कहते हैं झूमर। नेक्स्ट है प्रिस्ट, प्रिस्ट मीन्स पर्सन हु परफॉर्म्स वॉरशिप, जो भी पूजा करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्ट कहते हैं, पाहन कहते हैं। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स एंड मेक अ न्यू वर्ड, मैच करना है वर्ड को और एक न्यू वर्ड बनाना है। एक जैसे कि यहाँ पे दे दिया है क्लासमेट, तो उसी तरीके से आपको मैच करना है। लाउड के साथ हो जाएगा स्पीकर, पोस्ट के साथ पोस्ट ऑफिस, टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट बुक, हैंड के साथ हैंड राइटिंग एंड शू के साथ शू मेकर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।